की जय श्रीनिजानन्दस्वामी की जय श्रीप्राणनाथ प्यारे की जय करता माहो माहे जंग श्री कृष्ण कन्हैया लाल की ये यहाँ पर दुग्ध दुखी की बात चल रही थी ये पाग की मुकुट की पाक पाक की दुग्ध है वैसे दुग्ध दुखी गले में के हार में भी होती है उसको भी दुग्धु बोलते हैं जो रस कलंगी दुग्धुघी सोई पाग को रस जो रस का तात्पर्य जो आनंद कलगी और दुग्धुघी के दर्शन से होता है तो वही आनंद पूरे पाग के दर्शन करने से भी हो जाता है अंगरंग जोत बराबर ए नंग रस नूरस अंग अंग रंग ज्योत तो बराबर अब ये अलग अलग आभूषणों से जो ज्योति निकलती है उसी प्रकार से अक्षराथी धामधनी के अंग से भी अलग ये अल, अलग अलग ज्योति मानो उनके अंग से ही निकल रही है ऐसा भी लगता है ए नंग रस नूर अरस अब ये जो अलग अलग प्रकार की ज्योति निकलती है तो ये आभूषण वगैरह भी अंग के रूप में ही माने जाते हैं अंग जैसे ही तो उन सब से अलग अलग रंग के रंग की किरणें निकलती है तो वो किरणें सभी से निकलती है सबसे निकल रही है तो ऐसे बराबर सबसे निकलती है बराबर का तात्पर्य किसी से ज्यादा किसी की ज़्यादा किसी कम तो होगी किंतु सभी से प्रकाश निकलता है ये बताने का तात्पर्य है क्योंकि ए नांग रस नूर रस ये तो रत्न है तो परम धाम के हैं और इनको देखने से आनंद का अनुभव होता है तो वो रस है जो ही आए आये यभूषण जाए र्यामा जी के जान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आभूषण जो हृदय में अंकित हो जाएंगे तो उसी प्रकार से श्री श्यामा जी के भी होंगे ऐसे समझना कलगी दुग दुगी राखड़ी जैसे कलगी दुग दुगी ये राज्य के पाक के आभूषण है तो श्यामा जी के सिर पर राखड़ी है हो तो दो परवान है तो दोनों ही जैसे उधर कलगी दुग दुगी ये उसमें आ जाते हैं तो इधर श्यामा जी की राखड़ी दिखने लग जाएगी हृदय में अंकित हो जाएगी इस प्रकार जैसे राज्य के स्वरूप अंकित होता है ऐसे श्यामा जी का स्वरूप भी अंकित होगा ये कहना चाह रहे हैं दो मुक्ताफल कान के कान में जो कर्ण फूल है तो उसमें वो उसमें फिर लटकन है तो वो कैसी है तो दो मोती है और उसके बीच में लाल है माणिक तो उसके लिए कहते हैं करड़े कंचन बीच लाल तो अब वो पिरोया है अंदर वो सोने के धागे पर उसको तो तार बोलेंगे लेकिन वो धागे की तरह से नरम होता है परम धाम में तो धागा भी बोल सकते हैं साड़ी किनारे थे पर तो यहाँ पर मांग पर साड़ी का किनार इस तरह से श्यामा जी का आता है तो श्रवण पानड़ी झाल तो वो कैसे हैं कि ये साड़ी है ऐसे शेर पर से हो करके ऐसे उसमें आती है तो ऊपर जैसे साड़ी का किनार है अब यहाँ पर तो थोड़ा सा ऐसे इस तरह से होगा ना तो थोड़ा सा ऐसे तो उसमें राखड़ी वगैरह दिखाई देगी फिर वही साड़ी का किनार है फिर आकर के इधर तो उसमें यहाँ पर श्रवण में तो दूसरा भी तो जैसे कर्ण फूल है उस तरह से वो पान के पत्ते के आकार का तो यहाँ दूसरा आभूषण होता है तो उसको पानड़ी ऐसा गुजराती में पानड़ी कह दिया तो उसमें से भी झाल किरणें निकलती है हा का अंग तो मुता का मारत पर भूषण लगे जो भाल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग है तो जैसे ही उनके दर्शन होते हैं ना तो आत्मा वो देख करके ना बिल्कुल प्रेम से उत्प्रोत हो जाती है मस्ती में आ जाती है तो वो फिर उसको वो हृदय में अंकित हो जाते हैं तो वो मानो मारते हैं कहने का तात्पर्य फिर रोम रोम में वो सब संचरित होने लग जाते हैं तो वहाँ मारने का अर्थ ये मारना नहीं वो असर करते हैं उसी तरह से परभूषण लगे ज्यो भाल आभूषण है वो भी हृदय में अंकित होते हैं तो भाले की तरह से चुभते हैं कहने का तात्पर्य तो वो क्यों अभी तक ये सब दिखाई नहीं दिए इस तरह से आत्मा को विरह भी, भी होता है चेतवन जुगल किशोर के इस तरह से युगल किशोर का चिंतन करते हैं चितवन करते हैं तो दे तदम नूर जमाल तो पूर्ण परमात्मा का परमात्मा के कदम है चरण है वो हृदय में अंकित हो जाते हैं मुख बीड़ी आरोग्य पान की लाल शोभे अधुरतम बोल मुख में पान का बीड़ा आरोगते हैं तो फिर अधर है वो लाल लाल वो भी दिखाई देता है और फिर वो पान की लालिमा भी उसमें जाती है तो और ज्यादा लाल दिखाई देगा एरुआ दृष्टि जब देखिए पट हृदय दे तब खोला तो आत्मा को ये सब तब दिखाई देगा कि जब अंतर हृदय के पट सारे खुल जाते हों कहो के भूषण कंठ के तेज तेज में जो था अब कंठ के आभूषणों की क्या बात करें तो उनमें हर में ज्योति है तेज है तेज तेज में तेज तो तो उसमें तेज ही तेज दिखाई देगा प्रकाश ही प्रकाश चमक की चमक दिखाई देती आसमान जीवी के बीच में हो गई रोशन रे रेज आसमान से लेकर के भूमि तक एक एक कण उससे प्रकाशित होता है हार कई जबे के कहू केते ते तिन के रंग अलग अलग प्रकार के रत्नों के हार हैं उनका क्या वर्णन करें तो उनके रंग भी अलग अलग रंग के हैं तो उनके रंग में भी विशिष्ट बड़ी ही विशिष्टता है कई लहरें माहें उठता उनमें से उनमें से जो चमक निकलती है प्रकाश उसकी तरंगें उठती है ये तो आरसा अजीम के नंग ये सब रत्न हैं परमधाम के हैं दुनिया के रत्न नहीं है इसलिए उसमें से तो प्रकाश के तरंगे निकलती ही है एक एक रंग में कई रंग एक एक रत्न में अलग अलग प्रकार के रंग दिखाई देंगे रंग रंग में तरंग अपार अलग अलग रंग की भी अलग अलग प्रकार की तरंगे निकलती है इसलिए अपार तरंगे दिखाई देगी तरंग तरंग किरणें कई तो उन तरंगों में भी फिर उसमें भी अलग अलग प्रकार के रंग की किरणें दिखाई देती है हर किरण रंग न सुमारा तो हर प्रकाश में अलग अलग प्रकार का रंग जुड़ा हुआ है और जिसका कोई पारावारी नहीं है कहने का तात्पर्य एक रत्न भी अलग अलग रंग बिखरता है तो अलग अलग रंग के रत्न तो कितने रंग बिखरेंगे तो इस तरह से तो बड़ा सुंदर दृश्य है में चादर जुड़े रही ढापत नहीं झलकार तो वो चा चादर उत्तरीय वस्त्र उड़ा है वो पिछौरी तो वो कैसा है तो मानो जामा के साथ में जुड़ा हुआ हो ना इस तरह से वो ऐसे गिरेगा नहीं ढा पता नहीं झलक आ रहा उसमें से प्रकाश निकलती है तो वो कहीं रुकती नहीं है तो और वो जामे के ऊपर उड़ा है तो जामे का भी प्रकाश उसमें से निकल रहा है गिनती ज्योत क्यों करोये नंग तेज नंग रंग पार तो वहाँ उसकी ज्योति की क्या बात करें तो जब जामा में अलग अलग प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं ना तो उन रत्नों की आभा भी उसमें से निकलती है जिसका कोई पारावारी नहीं है एक रंग ज्योत किनविदा कहूँ एक रंग से निकलने वाली किरणें भी एक रंग की वो भी कितनी कहें जो लोग देखो आरस शहूर तो परमधाम की समझ लेकर के देखते रहें तो देखते ही रह जाएंगे ऐसा होगा शोभा रंग सलु की सुख तो उसकी शोभा और उसमें उस, उस, उसकी सुंदरता वो देखते ही रह जाएं ऐसा होता है देखो रुवा की आँखों जाओ है उस प्रकाश को तो आत्मा की दृष्टि खोल करके देख लो अनुभव कर लो भूषण हक श्रवण के और हक कंठ कई हार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के श्रवण के श्रवण इंद्रिय के कान के विभिन्न आभूषण है उनको तुम देख लो और गले में कई प्रकार के हार है उनको देख लो सोई कंठ श्रवण रूह के साज खड़े शार जब ये सब दिखाई देने लग जाएंगे तो ब्रह्म आत्मा के भी वो परात्मा के भी वो अंग तो उठ करके खड़े हो गए हो ऐसा लगने लगेगा शोभा जुगल किशोर की, की हो दो हो तो बराबर इस प्रकार जैसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य की शोभा हृदय में अंकित होते ऐसे श्री श्यामा जी की शोभा भी अंकित होगी जो हृदय देश बाहर तो जो हृदय में अंकित होगी तो वो बाहर भी दिखाई देगी तो दो खड़े होते सर भरा तो बाहर देखते हैं तो बाहर का स्वरूप है वो भी वैसा ही है और हृदय में वैसा ही है हृदय में अंकित होता है तो वैसे का वैसा स्वरूप अंकित होता है ये कहने का तात्पर्य है बाजू बंद और पहुँचिया कड़े जब कंचन तो बाजूबंद और हाथ में पहुँचिया है और कड़े वगैरह हैं विभिन्न प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं कंचन के नंग रंग नाम के कहो उनके उसमें जड़े हुए रत्न और उनके रंग उनका नाम कितने बताएं कितने रंग के रत्न हैं कहीं जाए न जरा रोशन न उसमें से निकलने वाला प्रकाश से उसका वर्णन नहीं हो सकता मुंदरिया दसों अंगोलियों दसों अंगोलियों की मुंदरिया तो ये हाथ की बात कर रहे हैं अस्तकमल की एक छोटी की ना कहवाए जो तो उसमें से एक सबसे छोटी मुद्रिका हो तो उसमें से निकलने वाले प्रकाश का भी वर्णन नहीं हो सकता अरस जीवी आकाश में हो जात सभी उद्योत तो वो भी उसका प्रकाश भी केवल उस पर दृष्टि पड़ती है ना तो उसी का प्रकाश सब सर्वत्र छाया हुआ ऐसा लगता है तो जिधर दृष्टि पड़ती है तो उसका प्रकाश साफ जगह उसी का छाया हुआ ऐसा लगता है फिर वहाँ से दूसरे तरफ दृष्टि डाल देते हैं तो उसका लगता है तो ये समझाना चाह रहे हैं ये ध्यान रखना हक के भूषण के क्यों कहूँ रंग नंग ज्योत का तो उनके आभूषण की क्या बात करें अलग अलग प्रकार के रंग के रत्न हैं उनसे निकलने वाली ज्योति है उसकी सुंदरता आठ उठ खड़ी तब हो वही पहले जीव होए ये भुक भूक जब जीव बिल्कुल वो पानी पानी हो जाएगा कहने का तात्पर्य तो जीव का भाव वो बिल्कुल मिट जाएगा तो ये दर्शन होंगे तो अहंकार मिट जाएगा तो जीव भाव मिट जाएगा और आत्म भाव में पहुंच जाते हैं ना तो यही समझाना चाह रहे हैं कि आत्मा तभी उठ करके खड़ी हो जाएगी जब भी जीव भाव समाप्त हो जाएगा रू भूषण हाथ के हक हा भेले हो तैयार तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हाथ के आभूषण हैं वो भी उनके साथ में वो संलग्न उनके अंगों के साथ में संलग्न ऐसा लगता है ए शोभा जुगल किशोर की जुवा कहते न कहे सुमार तो युगल किशोर की ये शोभा है श्री राज्य का वर्णन किया है तो श्यामा जी का भी इसी प्रकार से समझ लेना चाहिए तो इसलिए ये जुहा उनका पारावार बता नहीं सकती चारों जोड़े चरण आभूषण अब चरण के आभूषण की बात कर रहे हैं चार जोड़ी आभूषण रंग चारों में उठे हजारों चारों में हजारों रंग चारों से हजारों रंग उठते हैं हजारों रंग की किरणें निकलती है ये वर्णन जो वहाँ तो कह करे जो कछुए हो निर्वर यदि उसका कोई निरूपण हो सकता हो तो ही ये जीवा वर्णन कर सकती बाकी तो निरूपण ही नहीं हो सकता इतना विशेष है वस्त्र भूषण हक के आये हृदय ज्यो करे वस्त्र और आभूषण जैसे हृदय में अंकित हो जाते हैं त्यों शोभा सहित आत्मा उठ खड़ी हुई बराबर तब ये आत्मा है वो शोभा के साथ में उठ करके खड़ी हो जाती है सुपन सूरत पूरन रू हृदय आई शुभान तो ये तो ये सुपन शु, सूरत पूरन रूह ही हृदय आई सुभान तो ये स्वप्न का सूरत सूरत मतलब ये सूरता तो स्वप्न में आई हुई है तो उसके हृदय में भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप अंकित हो जाता है तब निज सूरत रूह की उठ बैठी परवान तो ऐसा होता है तो फिर तो जिसकी सुरता में ये सुरता के हृदय में ये स्वरूप अंकित हो रहे हैं वो अपरात्मा वो भी जागृत हो जाती है जब पूर्ण स्वरूप का, का आए बैठा माये दिल जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप हृदय में आकर के अंकित हो जाता है जब उनके पूरे स्वरूप को हृदय में अंकित करते हैं तब तब सोई अंग आत्म के उठ खड़े सब मिल तब आत्मा के जब जो पूरा पूरा स्वरूप अंकित होगा तो आत्मा भी पूर्ण रूप से खड़ी हो जाएगी जागृत हो जाएगी वस्त्र भूषण सव अंगों कंठ श्रवण हाथ पाए वस्त्र आभूषण सब अंगों के कंठ श्रवण हाथ पाए हाथ हाथ है चरण है नख शिख श्रृंगार साज के बैठे अर्श दिल में आए तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो इस प्रकार से नख शिख श्रृंगार सा, साज करके ब्रह्मात्मा के हृदय में उनका स्वरूप अंकित होता है ऐसा कहना चाह रहे हैं जब बैठे हक दिल में तब खड़ी हुई जान जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप हृदय में अंकित होगा तो आत्मा जागृत हो जाएगी हक दिल दिलारस में रूह जागे के ये निशान तो आत्मा जागृत है उसके संकेत क्या है तो कहते हैं जब हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप अंकित हो गया तो बस अब आत्मा जागृत हो गई ये समझ लेना चाहिए ये जागृति के निशान है हक के दिल का इश्क रु पैठ देखे दिल माए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हृदय में कितना प्रेम है यदि कोई ब्रह्मात्मा उनके हृदय में जाए उनके हृदय में प्रवेश करे तब समझेगी तो हक का सागर से रू निकस न सके का यदि वो उसमें चली गई तो उनके प्रेम के सागर से वो बाहर निकल ही नहीं पाएगी तो उसी में समा जाएगी इतना ज्यादा प्रेम है वो कहना चाह रहे हैं जो हक करे मेहरबानगी तो इन विध होए हुक्म जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृपा करते हैं तब इस प्रकार का आदेश देते हैं ताकि ब्रह्मात्माओं के हृदय में उनका स्वरूप अंकित हो जाए एता बल रूह तब करे जब उठाया चाहे कश्यम ये आत्मा इतना प्रयत्न तभी कर सकती है कि जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उसे उठाते हैं तो उसको जागृत करते हैं तब महामत कहता है, जो हो तो महामती पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से कह रहे हैं जो परम नाम की आत्माएं होंगी जो परम नाम की आत्माएं हैं उनके लिए महामती कह रहे हैं रूह जागे का यह उद्यम ये उद्यम है आत्मा को जागृत करने का है आत्मा को जागृत करने के ये उद्यम है तोले हुक्म सिर चढ़ाए तो इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हुक्म को सिर में चढ़ा करके उन्होंने जो आदेश दिए है उसको अपने सिर पर चढ़ा करके शिरोधार्य करके आत्मा को जगाने का प्रयत्न इस प्रकार करना चाहिए तो ये समझा रहे श्री कृष्ण कन्हैया लाल की

Uh